हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। चैप्टर शुरू करने के पहले आइए समझ लेते हैं व्हाट इज न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, व्हाट इज नीड ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड वो कौन कौन से सिचुएशंस हैं जिस सिचुएशंस में हम इस चैप्टर में जो भी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सिंगल डेफिनाइट इंटीग्रेशन का क्या इंटरप्रिटेशन होता है। सो आपने 12th स्टैंडर्ड में जरूर पढ़ा होगा कि इफ़ आई हैव इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, देन ज्योमेट्रिकली ये रिप्रेजेंट करता है एरिया बाउंडेड बाय कर्व एफ ऑफ एक्स फ्रॉम a टू x इक्वल्स टू b। सो यहाँ पर जो रेड कलर में आपको कर्व दिख रहा है, दिस इज बेसिकली ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू f ऑफ x, एंड ये जो मैंने ग्रे कलर में रीजन शेड किया है, दिस इज एरिया बाउंडेड बाय f ऑफ x फ्रॉम x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b। तो इस ग्रे कलर का शेडेड एरिया मैं इस इंटीग्रेशन से फाइंड कर सकता हूँ। बट अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपको कोई भी रैंडम f ऑफ x की इक्वेशन ला कर दूँ तो क्या उसे इंटीग्रेट करना हमेशा पॉसिबल होता है? सो आंसर है नहीं। यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स शो करना चाहूँगा इसके लिए। सो इस फर्स्ट एग्जाम्पल को देखिएगा जहाँ पर हमें इंटीग्रेट करना है ई रेज टू एक्स क्यूब को। सो आप वीडियो पॉज करके थोड़ा इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, देखिएगा आप इसके आंसर को निकाल पाते हैं कि नहीं। सो आई थिंक आपने इससे ट्राई किया। बेसिकली इसका जो आंसर है वो मैं सिंगल फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स में निकाल नहीं सकता। यानी जैसे अगर मेरे पास इंटीग्रेशन है x रेज टू n dx, तो इसका आंसर क्या होता है? x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। तो ये फाइनाइट टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं बस यहाँ पर, है ना। तो इस तरह क्या इसका आंसर हम फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स में निकाल सकते हैं? तो उसे हम एलिमेंट्री एक्सप्रेशन कहते हैं। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन का कोई भी एलिमेंट्री एक्सप्रेशन के टर्म में आंसर पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर मैं एक टर्म यूज़ कर रहा हूँ, एलिमेंट्री फंक्शन। तो एलिमेंट्री एक्सप्रेशन या एलिमेंट्री फंक्शन कह लीजिए। एलिमेंट्री फंक्शन बेसिकली क्या है, उसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि ऐसा इक्वेशन जो फाइनाइट हो। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे मेरे पास एक सीरीज़ है x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स रेज टू 4 एंड सो ऑन, तो इसमें अगर इनफाइनाइट टर्म्स है तो ये एलिमेंट्री फंक्शन नहीं हुआ। एलिमेंट्री फंक्शन यानी जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो। तो क्या आप इस इंटीग्रेशन का आंसर कोई फाइनाइट एक्सप्रेशन में निकाल सकते हैं? आंसर है नहीं। मैं ये जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा, ये जो इंटीग्रेशन है इसका आंसर क्यों नहीं निकाल सकते, इसका क्या रीज़न है? तो इसे थोड़ा डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे अगर मेरे पास इंटीग्रेशन है x dx, तो इसका आंसर क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो मैं आपसे पूछूँ कि इसका आंसर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी ही क्यों है, तो इसका क्या रीज़न होगा? सो बेसिकली अगर मेरे पास किसी फंक्शन f ऑफ x का इंटीग्रेशन g ऑफ x है, तो बाय रूल g ऑफ x का डेरिवेटिव f ऑफ x होगा। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी का आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपको x मिलेगा। उसी तरह अगर e रेज टू एक्स क्यूब का आंसर पॉसिबल है, तो एक ऐसा फंक्शन g ऑफ x एग्जिस्ट करेगा सच दैट इंटीग्रेशन e रेज टू एक्स क्यूब dx क्या होगा? g ऑफ x, एंड g ऑफ x का डेरिवेटिव e रेज टू एक्स क्यूब होगा। तो अब मैं क्वेश्चन कन्वर्ट कर देता हूँ। अगर मैं अब आपसे पूछूँ क्या कोई ऐसा g ऑफ x फाइंड कर सकते हैं जिसका डेरिवेटिव e रेज टू एक्स क्यूब हो और g ऑफ x जो है वो फाइनाइट हो, मतलब उसमें जो टर्म्स हो वो फाइनाइट हो, तो आंसर है नहीं। ऐसा कोई भी हम एक्सप्रेशन फाइंड नहीं कर सकते। तो वैसे कुछ और भी फंक्शंस हैं जिन्हें मैं यहाँ पर शो करना चाहूँगा। सो देखिएगा, ये जो मैं आपको इक्वेशन दिखा रहा हूँ ये वो एग्जांपल्स हैं जिनकी इंटीग्रेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। यानी ऐसा कोई जी ऑफ एक्स नहीं फाइंड कर सकते जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो और उसका आंसर ये जो एक्सप्रेशन है वो हो। तो अगर फ्रेंड्स ऐसे इंटीग्रेशन डेफिनाइट के केस में आते हैं, फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ए टू बी ई रेज टू एक्स क्यूब डी एक्स है, या इंटीग्रेशन ए टू बी स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस ई रेज टू एक्स डी एक्स है, तब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? जब आप इंटीग्रेशन ही नहीं सॉल्व कर सकते तो डेफिनाइट वाला तो सॉल्व करने की कोई बात ही नहीं आती। तो ऐसे सिचुएशन में हम न्यूमेरिकल मेथड का यूज़ करते हैं। सो देखिएगा न्यूमेरिकल मेथड होता क्या है। अब आप सबको पता है कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स रिप्रेजेंट्स एरिया। तो आखिरकार मैं ई रेज टू एक्स क्यूब को भले ही इंटीग्रेट ना कर पाऊँ बट उसका ग्राफ तो प्लॉट कर सकता हूँ ना। सो अगर मैं उसका ग्राफ प्लॉट करके ए से लेकर बी तक एरिया मैन्युअली मैं पेपर पे प्लॉट करके अच्छे से एक्यूरेसी से कैलकुलेट करूँ तो कैलकुलेट कर ही सकता हूँ। सो ऐसे मेथड जहाँ पर हम गिवन डेफिनाइट इंटीग्रेशन को अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व करते हैं, किस कंसेप्ट से? एरिया के कंसेप्ट से, तो उसे हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। सो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्या करता है कि एरिया बाउंडेड बाय गिवन फंक्शन को अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट करता है। और ऐसा नौबत क्यों आया कैलकुलेट करने का? बिकॉज उसे मैं एग्जैक्टली नहीं कर पा रहा हूँ कैलकुलेट, बहुत डिफिकल्ट है। सो यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स या कह लीजिए मेथड शो करना चाहूँगा जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे फेमस जो मेथड है जो हम देखने वाले हैं
उनमें से सबसे जो फर्स्ट है वो है ट्रेपेजॉइडल रूल, देन वी विल सी सिम्पसन्स 1/3, एंड आफ्टर दैट वी विल सी सिम्पसन्स 3/8 रूल। तो वैसे तो बहुत सारे रूल हैं पर हमारे सिलेबस में सिर्फ ये तीन है। तो इस वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे ट्रेपेजॉइडल रूल के बारे में। तो ट्रेपेजॉइडल रूल क्या होता है, इसे समझने के लिए आपको ट्रेपेजियम का कंसेप्ट पता होना चाहिए। सो बेसिकली ट्रेपेजॉइडल रूल क्या करता है कि आपको जिस भी रीजन का एरिया फाइंड करना है उस रीजन को वो ट्रेपेजियम में डिवाइड कर देता है, छोटे छोटे ट्रेपेजियम में। तो जो छोटा छोटा ट्रेपेजियम होगा, यहाँ पर मैं अभी अच्छे से ड्रॉ करके आपको बताऊँगा, उसकी एरिया वो फाइंड करता है। देन वो सारे ट्रेपेजियम के एरिया सम करके हमें जो भी बाउंडेड एरिया चाहिए, जैसे ये ग्रे रीजन की एरिया चाहिए, उसकी एरिया मिल जाती है। अब ये होता कैसे है इसे मैं आपको एनिमेशन के थ्रू यहाँ पर शो करूँगा, पर आइए सबसे पहले ट्रेपेजियम का डेफिनेशन देख लेते हैं। सो ट्रेपेजियम इज़ बेसिकली अ क्वाड्रिलेटरल विच हैज़ एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। तो यहाँ पर देखिएगा इस एग्जाम्पल को, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ये जो साइड ए और बी देख रहे हैं ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो एटलीस्ट एक पेयर होना चाहिए जो एक दूसरे के पैरेलल हो, तो ऐसा शेप क्या कहलाता है, क्वाड्रिलेटरल। तो आइए फ्रेंड्स मैं आपको अब एनिमेशन के थ्रू शो करके दिखाता हूँ कि कैसे छोटे छोटे क्वाड्रिलेटरल को सम करके हम गिवन जो भी रीजन की एरिया फाइंड करना चाहते हैं वो फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स एक कर्व ड्रॉ किया है जो आपको अज्यूम करना है कि वो वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, एंड यहाँ पर एक्स नॉट एंड एक्स एन मैंने दो पॉइंट चूज़ किए हैं जिनके बीच में जो एरिया बाउंडेड बाय एफ ऑफ एक्स है वो मुझे फाइंड करना है। तो मैं आपको अब बताऊँगा कि कैसे ट्रेपेजियम का यूज़ करके मैं इस एरिया को इवेलुएट कर सकता हूँ। सो ध्यान से देखिएगा इस एनिमेशन को, जहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर दो लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो आपसे मैं पूछूँ कि अगर यह हाइट लिया जाए, ठीक है, और ये वाला हाइट लिया जाए, तो दोनों देखेंगे आप एक दूसरे के पैरेलल है, फिर ये जो साइड है, ठीक है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, बट ये वाला साइड स्ट्रेट लाइन है क्या, नहीं, ये कर्व है, तो आप इसे ट्रेपेजियम नहीं कह सकते। तो आप देखेंगे जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज करूंगा, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये डिक्रीज करूंगा, धीरे धीरे ये जो लाइन है ये इतना कॉम्पैक्ट हो जाएगा कि ये शेप अप्रॉक्सीमेटली लाइन बन जाएगा। तो आप इस एनिमेशन को देखिए, फिर मैं आपको आगे का एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। तो देखिए मैंने तीन लाइन ड्रॉ किया, चार लाइन, पाँच लाइन, छः लाइन, तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे लाइन्स बढ़ाते जा रहा हूँ वैसे वैसे इस पॉइंट पर देखिएगा जहाँ पर मैंने नंबर ऑफ लाइंस 15 कर दिए हैं, और अब ये जो शेप देख रहे हैं ये क्या दिख रहा है आपको, एक स्ट्रेट लाइन। तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ कि ये जो मेरे पास अब शेप है, देखिएगा यहाँ से लेकर ये, देन ये एक ट्रेपेजियम है। तो अगर मैं इसकी एरिया को फाइंड करूँ एंड ऐसे सारे ट्रेपेजियम के एरिया मैं फाइंड करूँ, तो मैं टोटल एरिया निकाल सकता हूँ जो मुझे चाहिए। इसी कंसेप्ट का यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा। सो आप देखेंगे कि यहाँ पर और भी अगर मैं नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज करूँ तो धीरे 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 जो मुझे ट्रेपेजियम मिलेगा वो इतना छोटा होगा कि जो यहाँ पर साइड आपको दिख रहा है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होगा, और ऐसे छोटे छोटे ट्रेपेजियम को सम करके जब मैं एरिया निकालूंगा तो वो अप्रॉक्सीमेटली मुझे जो डिजायर्ड एरिया चाहिए, यानी एरिया बाउंडेड बाय दिस एफ ऑफ एक्स बिटवीन एक्स नॉट टू एक्स एन, ये मुझे मिल जाएगा। यानी इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू एक्स एन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका आंसर मुझे ट्रेपेजियम के एरिया सम करने से मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक ट्रेपेजियम की एरिया कितनी होती है, देन वी विल फाइंड समेशन ऑफ एरिया ऑफ दिस ऑल ट्रेपेजियम। सो लेट्स सी। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक ट्रेपेजियम ड्रॉ किया हुआ है जिसमें एक साइड का लेंथ ए है एंड दूसरे पैरेलल साइड का लेंथ बी है। तो ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल है जबकि ये वाले पैरेलल नहीं है, और यहाँ पर जो हाइट है वर्टिकल वो है एच। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि इसका जो एरिया होगा वो होगा हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सो पैरेलल साइड्स के जो लेंथ होंगे उनका सम, देन मल्टीप्लाइड बाय हाइट h। सो इसे प्रूव करना काफ़ी आसान है। यहाँ पर मैं एक एनिमेशन दिखाना चाहूँगा जिसमें मैं इसी ट्रेपेजियम का डुप्लीकेट एक कॉपी इस तरफ लेकर आऊँगा। सो ध्यान से देखिएगा इस एनिमेशन को। सो अगर इसी का मैं कॉपी इस तरफ ऐसे फ्लिप करके लेकर आऊँ तब आप देखेंगे कि यहाँ पर अब आपको एक पैरेललोग्राम दिख रहा है। सो फ्रेंड्स एक बार फिर से मैं बैक जाके एनिमेशन दिखाना चाहूँगा। सो देखिएगा कैसे मैंने इसी ट्रेपेजियम के कॉपी को इस तरह से फ्लिप करके रखा। सो अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि मुझे जो एरिया चाहिए था, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देता हूँ, देखिए ये जो एरिया है, ये एरिया और ये एरिया इक्वली होगी क्योंकि एक दूसरे के कॉपी है ना। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बेसिकली ये पैरेललोग्राम अगर आप जो देख रहे हैं इसकी एरिया क्या होगी, क्योंकि ये साइड ए है और ये बी है, तो टोटल लेंथ कितना होगा ए प्लस बी, ये भी टोटल लेंथ कितना हुआ ए प्लस बी, तो पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा, लेंथ ऑफ वन साइड यानी ए प्लस बी
मल्टीप्लाइड बाय हाइट जो है h, ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो हमारे पास इतना पार्ट है और ये जो इतना पार्ट है दोनों इक्वल है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये वन पार्ट का एरिया क्या होगा, इसका आधा, करेक्ट। सो यहाँ पर उसी चीज़ को मैंने लिखा है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है यहाँ पर ए प्लस बी और हाइट क्या है एच। देन सिमिलरली फ्रेंड्स, जो हमें एरिया चाहिए ट्रेपेजियम की वो होगा हाफ ऑफ दिस एरिया, यानी हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो क्या आंसर आएगा, हाफ ऑफ एच इंटू ए प्लस बी। तो आपको फॉर्मूला इस तरह याद रखना है, हाइट और विड्थ में याद नहीं रखिए, हाफ इंटू सम ऑफ साइड्स, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, तो जो पैरेलल साइड होंगे उनके लेंथ के सम करना है आपको। देन जो जो भी ये हाइट होगा या विड्थ के फॉर्म में होगा, जरूरी नहीं कि ऐसे ही शेप दिया गया हो ना, आपको ऐसे भी दे सकते जो हमारे केस में है, ठीक है। तो अगर ऐसे दिया गया है तो ये जो पैरेलल साइड का लेंथ रहेगा उसे सम कीजिए, देन ये जो विड्थ रहेगा इसे आपको मल्टीप्लाई करना है, जिसे मैच कह रहा हूँ। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ, जो भी हमने इंटीग्रेशन देखा था उसमें कैसे छोटे छोटे ट्रेपेजियम के एरिया प्लस करके हम टोटल एरिया फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं अज्यूम करूँगा कि x नॉट के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो x1 है, इसके बाद वाला पॉइंट x2 है, इसके बाद वाला पॉइंट x3, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर मैंने कुछ ही ट्रेपेजियम दिखाए हैं, पर आपको अज्यूम करना है कि बहुत सारे ट्रेपेजियम हैं। और यहाँ पर जो फर्स्ट वाला ट्रेपेजियम है, इसका ये जो हाइट है ये सपोज है वाई नॉट, एंड इसके बाद वाले का y1, देन ये y2, देन ये y3, ओके, एंड सो ऑन। सो लास्ट वाले का ऐसे ही yn है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट ट्रेपेजियम है इसकी एरिया सपोज a1 है, ठीक है। सो मैंने अभी भी आपको फॉर्मूला बताया कि a1 का आंसर क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, यानी y0 प्लस y1, देन मल्टीप्लाइड बाय ये जो यहाँ पर हाइट रहेगा वो क्या रहेगा, वो x0 x1 माइनस x0। तो सपोज x1 माइनस x0 इक्वल्स टू h है, और यहाँ पर हर एक ट्रेपेजियम का जो विड्थ है ना, ये आप हाइट कह लीजिए विड्थ कह लीजिए, क्योंकि इसी को घुमा कर रख देंगे तो वही चीज़ हाइट बन जाएगा, अभी आपको विड्थ दिख रहा है। सो उसमें कन्फ्यूज मत होइए, आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, हाफ इंटू जो भी पैरेलल साइड्स हैं उनका लेंथ का सम, देन जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये। तो यहाँ पर जितने भी ट्रेपेजियम इनका जो विड्थ है ना ये सेम है h, तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एच से। सिमिलरली फ्रेंड्स, ये जो नेक्स्ट ट्रेपेजियम है इसका अगर एरिया ए टू है, तो ए टू का आंसर क्या रहेगा, हाफ इंटू, अब इस ए टू के लिए पैरेलल साइड्स क्या है, वाई वन एंड वाई टू, तो वाई वन प्लस वाई टू मल्टीप्लाई बाय एच। सिमिलरली जो ए थ्री है ये वाला, देखिएगा नेक्स्ट ए थ्री, उसके लिए क्या रहेगा, हाफ इंटू पैरेलल साइड्स क्या है, वाई टू एंड वाई थ्री, सो वाई टू प्लस वाई थ्री मल्टीप्लाई बाय एच। तो अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे ना, अगर ए थ्री निकाल रहे हैं तो वाई थ्री आ रहा है और उसके एक पहले का टर्म आ रहा है। इसी तरह हम जनरलाइज कर सकते हैं कि भाई अगर ए एन का मुझे निकालना है लास्ट वाले ट्रेपेजियम का एरिया, तो उसका आंसर क्या होगा, हाफ इंटू वाई ऑफ एन माइनस वन, यानी एक पीछे का टर्म, प्लस वाई एन इंटू एच। तो अब मैं सारे अगर एरिया को प्लस करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, ओवरऑल एरिया अप्रॉक्सीमेटली, है कि नहीं। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स, अगर आप सारे एरिया को सम करते हैं तो उसका आंसर मैं आपको लिख के दिखाता हूँ यहाँ पर, कि आफ्टर एडिंग दिस ऑल एरियाज वी विल गेट फाइनल एरिया एस। इसके लिए मैं यहाँ पर इसका आंसर लिखता हूँ। सो ए वन प्लस ए टू अप टू ए एन इक्वल्स टू, अब देखिए सबसे हाफ आप कॉमन ले सकते हैं, करेक्ट। देन एक चीज़ और नोट करने वाली है, यहाँ वाई वन आ रहा है, यहाँ वाई वन आ रहा है, ठीक है, यहाँ वाई टू आ रहा है, यहाँ वाई टू आ रहा है, ऐसे ही जो मिड टर्म्स है वो दो दो बार रिपीट हो रहा है, जो बीच के टर्म है, सिर्फ कौन सा चीज़ रिपीट नहीं हो रहा है, वाई नॉट, वाई नॉट दो बार रिपीट नहीं होगा, वाई एन दो बार रिपीट नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें कितनी बार रिपीट होंगी, दो बार। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि भाई वाई नॉट प्लस वाई वन, ये सॉरी वाई नॉट प्लस वाई एन, ये एक एक बार आएंगे, बाकी जितने भी रिमेनिंग टर्म्स है जिसे मैं यहाँ लिखता हूँ वो सब दो बार आएंगे, यानी वो वाई वन वाई टू अप टू वाई एन माइनस वन। इसलिए जो फाइनल फॉर्मूला बनेगा उसको मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा, जिसको याद करने का शॉर्टकट भी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर बाद। तो इस तरह आपको अगर प्रूफ याद है ना, तो आप फॉर्मूला भूल भी जाएंगे तो फटाक से डिराइव कर सकते हैं, और यहाँ तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इतना टाइम जा रहा है, बाकी डेरिवेशन में अगर आप अपने को खुद से करेंगे तो फटाउट कर सकते हैं। सो देखिएगा, टोटल एरिया होगी यहाँ पर, टोटल एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ y नॉट प्लस y1, देन प्लस ट्वाइस ऑफ y1 प्लस y2 अप टू yn माइनस वन। तो इसे हम कुछ इस तरह याद रखते हैं, हाफ
इसे हम कहते हैं एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स। जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसे ऑर्डिनेट कहा जाता है और एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहा जाता है। तो वाई नॉट स्टार्टिंग है और यहाँ पर देखिए एक्स एन, एक्स नॉट एंड एक्स एन ये एंड पॉइंट्स है ना, और इनके लिए करस्पॉन्डिंग जो वाई कोऑर्डिनेट होंगे उसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं। तो वो हम कह सकते हैं कि वाई नॉट एंड वाई एन एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स हैं। तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एक्स से, देन ट्वाइस ऑफ, और ये जो टर्म्स हैं इसे हम रिमेनिंग टर्म्स कहेंगे जो बीच वाले हैं। तो इस तरह फॉर्मूला याद कर सकते हैं हाफ ऑफ एक्स प्लस टू आर, यानी एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स वाई नॉट प्लस वाई वन देन प्लस ट्वाइस ऑफ रिमेनिंग टर्म्स यानी वाई वन वाई टू अप टू वाई एन माइनस वन। तो मुझे लग रहा है आपको ट्रेपेजियम जो रूल है उसका फॉर्मूला समझ गया। तो अगर आपने एक बार इस फॉर्मूले को समझ लिया है तो आइए नेक्स्ट वीडियो में कुछ सम्स देखते हैं जो ट्रेपेजियम रूल पर बेस्ड है। थैंक यू सो मच।